लोहा लेना बच्चों का खेल नहीं है। रावण से लोहा लेना बच्चों का खेल नहीं है। अरे मानव और दानव की शक्तियों में कोई मेल नहीं है। जब भगवान राम लक्ष्मण और माता सीता जब वनवास के लिए गए तो वनवास में संतरात में सीता माता का हरण करके रावण लंका ले गए। जब रावण लंका ले गया सीता माता को पीछे भगवान राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज में भटके और दक्षिण भारत में पहुंचे। वहां पर सुग्रीव जी की वानर सेना नल नील अंगद और बालाजी महाराज श्री के वीरों से भेंट हुई। जब भेंट हुई तो भगवान राम ने कहा कि अविलंब सीता की खोज करके आओ। और भगवान बालाजी महाराज सुग्रीव और अनेकों योद्धा जामन जी महाराज शरीफा सब योद्धा सागर तट यानी रत्नागर सागर के किनारे पहुंचा। वहां जाकर देखे तो चारों तरफ 400 कोस 100 योजन का वो धाक रत्नागर सागर होड़ मार रहे। बालाजी महाराज चिंता में पड़ गए कि भगवान राम को वचन दे के आए हैं कि आपकी आंखों से आंसू ही धरा पर पड़े से पहले सीता माता की खोज लेकर आपके पास आऊंगा वरना आपको मुख नहीं दिखाऊंगा। पर अब इतना बड़ा सागर पार करके उस पार जाए कौन। तब बालाजी महाराज की शक्तियों को जगाने के लिए जामन जी महाराज ने कहा कि हे हनुमान तुम्हारे अंदर ऐसी शक्तियां हैं जिस पर जिस धरती का क्या काम। तीनों लोगों में ऐसा कोई काम नहीं हनुमान जो तेरे आगे असंभव हो और तू अपने प्रियवर श्री राम का काम करने के लिए विचार कर रहा है। तब बालाजी महाराज ने अपनी शक्तियों को जगाया और एक छलांग मारकर लंका पहुंचा। और लंका में जाकर रावण के भरे दरबार में रावण को चुनौती देते हुए कहा सीता माता को सुध ली मुंद्री दी और रावण के भरे दरबार में खड़े होकर रावण को कहा हे रावण मैं अपनी शक्तियों का लेश मात्र उपयोग करके भी तुझे और तेरी लंका का विनाश करके जा सकता हूं पर नहीं मैं तुझे मारने का गौरव अपने श्री राम को देना चाहता हूं। बालाजी महाराज ने पूरी लंका को आग लगाकर सागर तट वापस पहुंचे भगवान राम को बताया और पीछे रावण की पत्नी मंडोदरी रावण को समझा रही है पतिदेव कहा कि एक वानर एक मरकट अपनी नगरी में आया जिसने पूरी लंका को जलाकर चला गया आपकी आंखों के सामने और आप कहते वो राम आकर क्या करेगा। अरे राम आने वाले हैं। तब रावण ने अपनी पत्नी को धीरज बंधाते हुए कहा कि रावण से लोहा लेना बच्चों का खेल नहीं है। अरे क्यों चिंता करती है कि रावण तिलों की विजेता है और वो दो निर्वासित बालक ना तो इस सागर पार कभी लंका पहुंच सकते और पहुंच भी अगर गए तो रावण से लड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। रावण से लोहा लेना बच्चों का खेल नहीं है। अरे मानव और दानव की शक्तियों में कोई मेल नहीं है। तब मंडोदरी भगवान आप पतिदेव रावण ने कहे कहे कि बचवा दियो बजरंगी वाला ने। मैं जाता हूं जहां पर कथा चल रही है जहां पर भजन हो रहे हैं जहां पर सत्संग है वहां पर राम और हनुमान विराजमान हो जाए तो कलयुग की भक्ति सार्थक हो जाए। ये बचवा दियो बजरंगी वाला ने बचवा दियो अंजनी के लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने। राम जी का डंका
बचवा दिया बजे नहीं पाना।
श्री राम लंका रमायण गया। आज सूरत किस पावन धरा पर, ये धर्म की जाजम है। अब धर्म की बात करूंगा, पिछले जो 5 सत्संग मैंने सूरत में करी है, पर मुझे यहाँ पर भजन करने का मौका नहीं मिला। कभी तिरंगा यात्रा में आया, कभी समाज की यात्रा में आया, पर आज भजन करने का आनंद लेना चाह रहा हूं। लोग कहते हैं कि सनातन कल्पना करता है, उसकी कल्पनाएं अधिक है और कार्य कम। झूठ कहते हैं कि इन्होंने आकाश से आकाश गंगा को धरती पर लाया। अरे झूठ कहते हैं कि 3 दिवस में कोई आज से हजारों वर्ष पहले रत्नाकर सागर के ऊपर पुल नहीं बना सकता। झूठे हैं, ये कल्पना है। ये कल्पना करते हैं कि इस छोटी सी उंगली पर किसी ने गिरवत पर्वत को उठा लिया होगा। अरे मैं तो लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि हम में क्षमता थी, हमने इतनी कल्पना कर पाई। अरे आप तो इतनी कल्पना भी नहीं कर पाए। अरे ये हमारे धर्म की, हमारे ऋषि मुनियों की ये व्यवस्था थी, ये सोच थी कि इतनी बड़ी कल्पना कर पाए। आज इस मंच पर साध्वी जी विराजमान और ऐसे अनेकों साधु संत तपस्वी भारतवर्ष में विराजमान है। आपके शहर में इधर एक माइक लगा होगा और एक इधर माइक लगा होगा। एक से आवाज निकलती है, जो मेरा जैसा है वो रहे, या फिर मेरे जैसा हो जाए, या फिर उसका विनाश किया जाए। पर एक माइक से हमेशा आवाज आती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो। अगर विश्व का कल्याण करने की कोई कल्पना करता है या अपने मुख से कोई शब्द कहता है तो वो सनातन कहता है। एक बार अपने धर्म के ऊपर गौरव करते हुए दोनों हाथ उठाकर जय घोष करें। बाबर नाम की लुटेरे की मस्जिद बनी, उस मस्जिद को हटाने और मंदिर का पुनर्निर्माण करवाने के लिए सदियों से हमारे साधु संतों तपस्वियों वैराग्यों ने उस जगह बलिदान दिए, हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिए। तब जाकर इस गौरवशाली क्षण में, इस गौरवशाली समय में एक बार फिर अयोध्या जैसी पवित्र भूमि पर राम मंदिर देखने को मिला। पिछली बार आचार संहिता लगी थी, कार्यक्रम करने आया तब मैं, मोदी जी की रैली थी, मैं विवश था, कहना नहीं था, पर मैंने कह दिया। मैंने यही कहा, जो काम आज तुम्हारा मात्र वोट देने से हो रहा है, आज से 20 वर्ष बाद वो काम तुम अपना सर देकर अपनी जान देकर भी नहीं करवा पाओगे, ये ध्यान रखना। अरे भारत है, राम का है, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया कहता है कि राम थे, राम है, राम रहेंगे। दुनिया के सारे पश्चिमी देश कहते हैं कि राम थे, राम है, राम रहेंगे। लंका में जाकर पूछा, क्या बिल्कुल राम थे, आज से हजारों वर्ष पहले राम है और राम रहेंगे। पर भारत राम का अपना देश कहता है कि राम नहीं है, और राम के खिलाफ जाकर कोर्ट में खड़ा होता है। ये व्यवस्था, ये मजबूरी, ये समय क्यों देखना पड़ रहा है? उन लोगों को कहना चाहता हूं, यहां पर बैठे हुए अयोध्या में राम मंदिर बनने पर कौन कौन खुश है? अयोध्या कौन कह रहा है?
कौन कौन पूछे बार आज बताए क्या बात हमारे सूर्य बहुत खूबसूरत है बहुत खूबसूरत है जम्बूद्वीपे भरत खंडे जम्बूद्वीपे भरत खंडे दिनेश जी जो पिछले 1400 साल में अपना पजामा अपनी माँ का पजामा नहीं सिला सके वो कहते हैं हमने ताजमहल बनाया जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षी की नगरी है विख्यात अयोध्या ओ हम कथा सुनाते राम सकल गुण गाती हम कथा सुनाते राम सकल गुण गाती ये रामायण है वो ये कथा श्री राम की ये रघुकुल के राजा धर्म चक्रवर्ती दशरथ पुण्य आत्मा संतति है तू यज्ञ करवाया धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया नृप हर जन में चारि कुमारा रघुकुल दीप जगत गुरुकुल जाकर गुरु वशिष्ठ जी के गुरुकुल जाकर अल्पकाल विद्या सब पाकर पूरी हुई शिक्षा रघुबर गौरव गान हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की ये रामायण
सभी लोग, ये रामायण है पुण्य कथा श्री, जोर लगा के, क्योंकि जिस भजन में राम का नाम नहीं उस भजन को गाना ना चाहिए। ये रामायण है पुण्य कथा श्री, संख्या आप लोगों की बराबर है। गुना पुलिस स्टेशन के पूर्व TIC आदरणीय गढ़िया साहब बना रहे, उनका मैं मंच की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। चित्रकूट के घाट घाट पर मिट्टी की कुटिया पर कोई बिल्ली जो है आज राम मेरे घर आया। देखिए भगवान के हमेशा नियम रहे, जहाँ माताएं बहनों ने, जहाँ नारी शक्ति ने भगवान को प्रेम से याद किया, भगवान आए। बाकी तो 56 भोग धरे रहे, धरे पड़ रह गए, पर जब भगवान को प्रेम से याद किया तो भगवान आ गए। सबरी के घर पे कुछ नहीं था झूठे बेरों के अलावा, फिर भी भगवान आए। और जब कर्मा जाटनी ने भगवान को प्रेम से याद किया तो उसका लूखा खींच खाने के लिए भी आए। अरे बाबू मारो काम गयो है, अरे घर बता रहे हैं विशेष निमंत्रण रहेगा, दोनों हाथ लगा ताली के साथ भगवान को याद करें, आते होंगे। ये बाबू मारो काम गयो है, ना जाने कब आवे दो, ये बाबू मारो काम गयो है, ना जाने कब आवे दो, इन्हें भरोसे
बसो सुर हृदय बसो सुर सीनावर रामचंद्र की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की बोलो रे भाई सब संतन की बोलो रे भाई सब भगतन की। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार इन बच्चों के लिए एक बार इन बच्चों के लिए जोरदार ताली उनको हनुमान चालीसा याद है। अपने बीच में सूरत महानगर पालिका के शासक पक्ष के नेता